भारत और श्रीलंका के बीच नागपुर में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने श्रीलंका पर जबरदस्त दबाव बनाया है और लंका की बेहद धीमी बल्लेबाजी चल रही है। आलम यह है कि रन रेट 2 से भी कम पहुंच गया है और स्पिनर्स भी जबरदस्त खेल दिखा रहे हैं। मैच के 25वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने भारत को दूसरी सफलता दिलाई। अश्विन ने थ्रीमारी को बोल्ड कर दिया। नागपुर के पिच पर पहले दिन से स्पिनर्स को मदद मिल रही है और इसका फायदा अश्विन ने उठाया। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद थिरिमा ने 25वें ओवर में अश्विन की बॉल पर बीट हुए और उनका मिडिल स्टंप उखड़ गया। अश्विन का विकेट सीरीज में भारत की तरफ से स्पिनर्स का पहला विकेट था। थिरिमा ने 58 बॉल में सिर्फ 9 रन बनाए। इसके अगले ही ओवर में जडेजा की बॉल पर टीम इंडिया को एक और विकेट मिल जाता, मगर जडेजा की ये बॉल नो बॉल करार दी गई। अब पिच से मिल रही मदद के बाद उम्मीद की जा रही है कि भारतीय स्पिनर्स लंका का पुलिंदा जल्द ही बांधेंगे। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।